हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, आज के टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं होमोन्यूक्लियर 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको नोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, NOESY, नोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस नोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इसकी? न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे ओवरहोजर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है एल्बर्ट ओवरहोजर, और एल्बर्ट ओवरहोजर को ओनर करने के लिए ही उनके नाम पे इस टेक्निक का नाम रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो डाइपोलर इंटरैक्शन का कंसेप्ट था जो फिजिक्स में जनरली होता है वो आपका ओवरहोजर सर ने ही यूज किया था, राइट? थ्योरी ऑफ डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन। ओके, तो इसमें जनरली होता क्या है कि जो बेसिकली ओवरहोजर सर ने इसको मेटल्स के लिए देखा था, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं मेटल के, उनसे जो है पोलराइजेशन ट्रांसफर दूसरे मेटल जो कि एक्टिव मेटल दूसरा है उस पर हो जाता है, ट्रांसफर करते हैं पोलराइजेशन का मैग्नेटिक का, ठीक है? अब वो क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होने के लिए जरूरी नहीं कि जो आपके इंटरेक्टिव न्यूक्लियाई हैं जैसे दो हाइड्रोजन है वो एक साथ बॉन्ड से जुड़े हों, ये स्पेस में होता है। याद रखिए, न्यूक्लियर ओवरहोजर जो इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये स्पेस में होती है, इसके लिए बॉन्ड का होना जरूरी नहीं है। जैसे कोजी में आपने देखा कि वही क्रॉस पीक आपको मिलेंगी जिसमें आपका वन बॉन्ड कोरिलेशन होगा या टू बॉन्ड कोरिलेशन होगा, जे कपलिंग बेसिकली जहां हो रही होगी, ठीक है, वहीं पे आपको कोजी मिलता है। टॉक्सी में चलिए डायरेक्ट जे कपलिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा थ्री बॉन्ड फोर बॉन्ड कपलिंग भी हो रही तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन बॉन्ड वहां भी जरूरी है टॉक्सी में भी, लेकिन नोजी में बॉन्ड का होना जरूरी नहीं है। आगे हम देखेंगे कि क्यों जरूरी नहीं है, इतना आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ठीक है? तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं कि ये जो आपका न्यूक्लियर डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन की थ्योरी थी ये क्या थी, ठीक है, या डाइपोलर इंट्रैक्शन जो कि मैंने बताया कि एक मेटल से दूसरे मेटल में ट्रांसफर होना, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ISC बेंगलोर के एक साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर हनुदत्ता अत्तात्रेय, उनकी लेक्चर सीरीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हमने भी उन्हीं से सीखा है। अगर आपके पास इतना समय है तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं, ठीक है? लेकिन चलिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अभी तक देखूं मैं क्या क्या कवर कर चुका हूं। मैं कवर कर चुका हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोजी स्पेक्ट्रा, अच्छी, क्योंकि मैं देखिए इसको होमोन्यूक्लियर कोरिलेशन बोल रहा हूं, दैट मीन एक से न्यूक्लियाई होंगे। मैं प्रोटोन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो प्रोटोन प्रोटोन कोजी आपने देख लिया, ऐसे मैं इसको करा चुका हूं ऑलरेडी, और टॉक्सी भी प्रोटोन प्रोटोन का कोरिलेशन होता है, क्या डिफरेंस है ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप यहाँ पे नए आए हैं टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में और इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने इन दोनों लेक्चर्स का कोजी और टॉक्सी की इंटरप्रिटेशन दे रखी है, ठीक है? और मैं इंटरप्रिटेशन में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसी को आप जानिए। और आज जो मैं कवर करने वाला हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोजी स्पेक्ट्रा, ठीक है? और नोजी स्पेक्ट्रा को कवर करने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखिए हमेशा। जैसे पहला पॉइंट मैंने कहा, नोजी स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स, स्पेशली द रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री अराउंड द डबल बॉन्ड रिंग जंक्शन। इसका कहने का क्या सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए कोई एल्कीन है आपका ना, और एल्कीन में सिस और ट्रांस प्रोटोन है, तो उनके बीच में जो आपका कोरिलेशन है वो कैसे डेवलप किया जाता है नोजी स्पेक्ट्रा को देख के, या नोजी कैसे इंफॉर्मेशन देती है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि डबली बॉन्डेड कंपाउंड हो, आपका कोई रिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं, और जंक्शन पे जो आपके न्यूक्लिया निकले रहते हैं जंक्शन पे कोई प्रोटोन है तो वो कैसे हैं, सिस है या ट्रांस है, वो भी इससे पता चल सकता है। या साइक्लिक कंपाउंड में जैसे आप देखें साइक्लोहेक्सेन वगैरह है, उसमें कई हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इक्वेटेरियल एक्सियल, तो ये इन्फॉर्मेशन भी सारी यहाँ से मिल सकती है। लेकिन ये जो नोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये ज़्यादा यूजफुल होती है बायोमॉलिक्यूल्स के लिए, स्पेशली प्रोटीन के लिए। अगर प्रोटीन के केस में फोल्डिंग का आपने लगाना है, 3D फोल्डिंग का पता लगाना है कैसे होती है, तो नोजी स्पेक्ट्रम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना आपको साथियों जरूर पता होना चाहिए। जैसा और कोई साथ में नहीं होता, अरे नहीं नहीं यार वो अब यहाँ से देखिए ये मंदिर हमें साफ दिख रहा है। तो ये देखिए साथियों, ये जो है इसका मुख्य मंदिर और पुराना मंदिर है, देखिए पानी के नीचे भी जाके ये वीडियो। हेलो दोस्तों, देवलोक में आपका स्वागत है।
तो आज के व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं, आगे देखते हैं न्यूक्लियर ओवर ओजर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ओवर ओजर सर के नाम पे ही उनको ओजर देने के लिए दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ डाइपोलर इंट्रैक्शन इज यूज, हाँ मैंने ये बता दिया कि इस पर डाइपोलर इंट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो यूज होता है। और ये कंसेप्ट क्या था, मैंने पहले ही बता दिया था कि ओवर ओजर सर ने इस आइडिया को सबसे पहले मेटल्स के लिए प्रपोज किया था, जिन्होंने ये कहा था कि जो एक मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होता है उससे पोलराइजेशन ट्रांसफर करते हैं दूसरे एक्टिव न्यूक्लियाई को, जो कि बॉन्ड से ना भी जुड़ा हो तब भी ये हो जाता है, इसी को डाइपोलर इंट्रैक्शन कहते हैं। बट मैं इसमें फिर दोबारा ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। और जो इंट्रैक्टिंग न्यूक्लियाई होते हैं, नोजी, अगर आपने नोजी की क्रॉस पीक अगर आपने देखनी है तो कंडीशन यही है कि जो दो न्यूक्लियाई जैसे प्रोटोन और प्रोटोन के बीच में अगर कोरिलेशन देखना है तो नोजी में उसकी क्रॉस पीक तब ही आएगी जब उनकी डिस्टेंस 5 से 6 एंगस्ट्रम के बीच होगी। जितना नजदीक होंगे क्रॉस पीक उतनी ही ज्यादा इंटेंस और स्ट्रांग आएगी, और जितना दूर होते चले जाएंगे उसके लिए वीक आएगी। देखिए कैसे, जैसे प्रोटोन प्रोटोन प्रॉक्सिमिटी दे रखी है यहाँ पे एंगस्ट्रम में, अगर मान लीजिए ये काफी क्लोज है 3.5 के आसपास, 3.5 के एंगस्ट्रम के आसपास इनकी प्रॉक्सिमिटी है तो बहुत स्ट्रांग क्रॉस पीक मिलेगी। और अगर ये आपका 4.5 है, अगर आपका 3.5 से 4.5 तक जाता है तो ये थोड़ा सा मीडियम इंटेंसिटी का मिलेगा, लेकिन अगर ये 5.5 आ जाए, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे 6 पे पहुंच जाए तो काफी वीक क्रॉस पीक मिलती है और इसको पता करना मुश्किल होता है कई बार। अब यहां से देखिए ये मंदिर हमें साफ दिख रहा है, तो ये देखिए साथियों, ये जो है इसका मुख्य मंदिर और पुराना मंदिर है, ठीक है, पानी के नीचे भी जाके ये वीडियो। हेलो दोस्तों, देवलोक में आपका स्वागत है। तो आज के व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इतना आपको पता हो जाए तो इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं आसानी से। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड है साथियों, ये कंपाउंड बेसिकली बीटा मिथाइल स्टाइरीन है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिखे देता हूँ आप लोग के लिए। दिस इज ट्रांस बीटा मिथाइल स्टाइरीन। कैसे ये नाम रख सकते हैं आप, देखिए आपको मालूम है ये क्या होता है, ये तो स्टाइरीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दूं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अल्फा, दिस इज योर बीटा, बीटा पे है मिथाइल का सब्सटीट्यूशन, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफाइन कर दूं तो ट्रांस बीटा मिथाइल स्टाइरीन, ओके। सो यहां से मैं इसका नाम लिख सकता हूं, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, ओके। एंड इस बीटा पे आप देखें क्या है, मिथाइल लगा हुआ है ना, और ये दोनों जो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है साथियों, ये ट्रांस है, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ है, क्लियर है। और देखिए बेसिकली क्या होता है, हर 2D स्पेक्ट्रम में दो डोमेन होते हैं, मान लीजिए ये वाला F1 डोमेन है, ये वाला F2 डोमेन है, आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। दोनों में ही प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट दे रखी है। अगर आपने ये वाली पीक देखनी है, ये जो आपके हाइड्रोजन्स की यहाँ पे सिग्नल दे रखे हैं, देखिए मल्टीप्लिसिटी भी इनकी दे रखी है, बट मैं स्प्लिटिंग पैटर्न में नहीं जा रहा हूँ, मैं स्प्लिटिंग पैटर्न आप चाहें तो खुद देख सकते हैं, मैं सिर्फ इनकी नोजी की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। तो इसका अगर आपने केमिकल शिफ्ट देखना है तो यहाँ देखिए, ठीक है, 1.9 के आसपास। 2 का केमिकल शिफ्ट आपने देखना है तो करीब 6.3 के आसपास देखिए। 3 का केमिकल शिफ्ट देखना है तो आप 6.4 के आसपास देखिए, ठीक है। बाकी 7 के ऊपर तो सारे एरोमेटिक होते हैं, तो ये वाले सारे के सारे एरोमेटिक होंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन क्योंकि बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, तो आपको मालूम है अगर आप यहाँ से प्लेन खींचे तो ये वाला H4 और ये H4, ये दोनों एक से होंगे, ऐसे ही H5 और H5 एक से होंगे क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड का बेंजीन सिस्टम्स का अगर NMR पढ़ा हुआ है तो आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दो एक से, ये दो एक से, ये एक से, और H3 अलग, H2 अलग, क्योंकि इनका स्पेस, इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 सिग्नल जो है वन डायमेंशनल स्पेक्ट्रम में आने चाहिए, वो आ भी रहे हैं। देखिए सिग्नल 1,
सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4, सिग्नल 5, सिग्नल 6। नंबरिंग ठीक है, अलग इन्होंने केमिकल शिफ्ट के दे रखी है, हिसाब से दे रखी है 654, लेकिन मैंने 6 सिग्नल गिन के आपको बताए हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट की, ये जो पीक है ये सॉल्वेंट की पीक है। अच्छा, ये जितनी भी पीक होती है ना, देखिए 1 की पीक ये डायगनल पे यहाँ आ रही है। अब ये छोटी सी बहुत लाइट, मतलब इसकी इंटेंसिटी काफी कम है, तो ये आपका सॉल्वेंट जो बचा हुआ है उसकी पीक होती है, इसको इग्नोर करिए हमेशा। ठीक, ऐसे ही अगर नीचे की तरफ आए तो ये H2 की पीक आपको मिल जाएगी, और नीचे आए तो ये H3 की पीक मिल जाएगी, और नीचे आए तो ये H6 की पीक मिल जाएगी, और नीचे आए तो बीच वाली H5 की हो जाएगी, और ये लास्ट वाली आपकी H4 की हो जाएगी। तो डायगनल में बेसिकली ये आपकी जो 1D की केमिकल शिफ्ट होती है वो दी रहती है, और नोजी स्पेक्ट्रम जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है डायगनल के दोनों तरफ से। तो इसका मतलब, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसा क्रॉस पीक का पैटर्न यहाँ मिलेगा आपको, वैसा ही क्रॉस पीक्स का पैटर्न यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करें इंटरप्रिटेशन में, या ये वाला एक्सप्लेन करें। जो इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी वही इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी, दोनों को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक को करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है साथियों, देखो इसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक रफ आइडिया के लिए आप इतना जान लीजिए, जो वन बॉन्ड डिस्टेंस होता है, वन बॉन्ड डिस्टेंस वो लगभग होता है 1.5 एंगस्ट्रम के आसपास, भाई इतना याद रखिएगा आप, इतना समझेंगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए कोरिलेशन देखते हैं क्या है। देखिए ये वन है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन टू है, तो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, तो दो ही बॉन्ड तो हुए, तो 1.5 इंटू टू करोगे तो 3 एंगस्ट्रम ही तो हुआ, और कंडीशन क्या है, अभी आपने पीछे देखा है कि 5 से 6 एंगस्ट्रम से कम होना चाहिए, तो इस केस में भी आप लगाते हैं तो 3 एंगस्ट्रम इन दोनों के बीच में तो काफी डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, एक क्रॉस पीक मिलनी चाहिए जो इनको कोरिलेट करे, इन दोनों को कोरिलेट करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने कोरिलेशन देखना है इन दोनों के बीच का, हो रहा या नहीं हो रहा। अब देखिए ये तो बॉन्ड से जुड़े हुए भी नहीं है ना, ये H1 जो है, ये मिथाइल के H1 जो है, ये H2, इनके बीच में तो कोई बॉन्ड है नहीं, लेकिन फिर भी इंट्रैक्शन हो रहा है, मैंने बताया था स्पेस में होता है आपका ये। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस पीक हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये H1 है, H1 को अगर आप यहां आते हैं तो एक सिग्नल मुझे यहां पे ये मिल रहा है H1 का। ठीक है, मैं इसको आपकी सिंप्लिसिटी के लिए क्रॉस पीक 1 बोल देता हूं, समझाने के लिए है सिर्फ ये। ठीक है, अब ये H1 जो है इसने कोरिलेट किससे करना है, H2 से, तो ये तो H1 का सिग्नल आ गया, जरा ऊपर जाओ तो ये देखिए H2, तो हो रहा कोरिलेशन H1 और H2 का, तो ये क्रॉस पीक जो है ये H1 और H2 का कोरिलेशन, देखिए लिखे चाहे H2 H1 या H1 H2 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कोरिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाली पीक का। अब ऐसे ही आप देखें, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, तो 1.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4.5 ही तो हुआ, अभी फिर भी ये 6 एंगस्ट्रम से कम ही हो रहा, तो इसका मतलब इनके बीच में भी इंट्रैक्शन होना चाहिए ना, तो ये वाले इंट्रैक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग भी तो क्रॉस पीक दिखनी चाहिए साथियों हमें। ठीक है, 1 और 3 के बीच में, अब देखते हैं 1 और 3 में दिख रही नहीं दिख रही, तो यहां से आइए देखिए, ये तो 1 की पीक हो गई, ये क्रॉस पीक है मुझे यहां मिल रही है, और मैं इसको ऊपर अगर ले जाऊं तो ये 3 वाले प्रोटोन से कोरिलेट भी कर रही है। ये वाली 1 और 2 की थी, और जिसको मैं नंबर 2 अब कह दे रहा हूं, ये वाली ये आपकी 1 और 3 के बीच की है, तो ये कोरिलेशन 1 और 3 के बीच में भी दिख रहा है, तो ये वाली पीक 1 और 3, ये वाली पीक 1 और 2, देखिए 2 पीक आपको मिल गई। ठीक हो गया, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आप इसी स्ट्रक्चर को देखें, बहुत आसान आपको लग रहा है, ये H2 और H4 भी तो काफी नजदीक लग रहे हैं, भाई इनके बीच में भी तो कोरिलेशन होना चाहिए, H2 और H4 के बीच में इनके कोरिस्पॉन्डिंग भी क्रॉस पीक मिलना चाहिए, तो आप देखते हैं H2 का सिग्नल ढूंढते हैं। देखिए ये मेरे H2 का सिग्नल है, H2 के सिग्नल पे मुझे यहाँ पे एक पीक मिल रही है ऊपर वाली है, तो इस ऊपर वाली को बेसिकली मैं क्या करता हूँ, पीक नंबर 3 बोल देता हूँ, चलिए ऊपर वाली को, इसको मान लीजिए मैंने 3 बोल दिया ना। अब क्या है, इस H2 ने H4 से करना चाहिए, तो अगर ये H2 है तो इसको आप ऊपर लेके चलो, तो जरा ये देखो ये यहाँ पे मैच कर रही है H4 से, ये सिग्नल इससे मैच कर रहा है, तो ये वाली पीक H2 और H4 का कोरिलेशन दिखा रही है, तो ये भी स्टेब्लिश हो गया। अब जब ये स्टैब्लिश हो गया तो भैया ये भी तो आप देखो, हालांकि ये 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड है, और 4 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एंगस्ट्रम आएगा, ऐसे देखिए, और 6 ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्योंकि ये इतना होने के बाद भी आप देखें
ये हालांकि इतने बॉन्ड हैं लेकिन ये स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से काफी क्लोज आ गए हैं ना, 3 और 4 इनके बीच में भी कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये भी काफी क्लोज लग रहे हैं। तो एक पीक है, क्रॉस पीक ऐसा मिलना चाहिए कि 3 और 4 का कोरिलेशन दिखाए। तो हम पीक नंबर 3 देख लेते हैं, ये मेरा पीक नंबर 3 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीक यहां पर है, जिसको मैं आपकी सुविधा के लिए पीक नंबर 4 बोल देता हूं, ठीक है। तो इस वाले 3 को फिर मैं ऊपर एक्सटेंड करके ले जाऊं तो ये 4 से कोरिलेट कर रहा, नहीं कर रहा, देखिए 3 और 4 के बीच का भी कोरिलेशन है। तो कितनी क्रॉस पीक होनी चाहिए, एक इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी, 4 क्रॉस पीक मिलनी चाहिए, वो मिल भी रही है, 1, 2, 3 और 4। सेम यहां पर भी वही इंफॉर्मेशन होती है, देखिए कितना आसान है। आप लोगों को लगता है ये डिफिकल्ट है लेकिन 2D इंटरप्रिटेशन कोई इतनी ज्यादा जो है मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो साथियों इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक नया चैनल और अभी वीलॉगिंग का स्टार्ट किया है, ये उसका ऐड आ रहा है, प्लीज इसको भी सब्सक्राइब और शेयर करिए। टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री की जगह जैसे आपने टेट्राहेड्रॉन को किया है, इसको भी प्लीज कर दीजिए, है। जैसा और कोई साथ में नहीं होता है सारे, नहीं नहीं यार वो अब यहां से देखिए ये मंदिर हमें साफ दिख रहा है। तो ये देखिए साथियों, ये जो है इसका मुख्य मंदिर और पुराना मंदिर है, ठीक है, पानी के नीचे भी जाके ये वीडियो। हेलो दोस्तों, देवलोक में आपका स्वागत है। तो आज के व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं, अच्छा यहां से चलिए, ये तो हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस एड से पहले मैं आपसे बात कर रहा था वो आपको दे देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, ये 3 और ये 4, हालांकि देखिए 1, 2, 3 तीन ही बॉन्ड की डिफरेंस है तो 4.5 होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ना 180 डिग्री के एंगल में इनके बीच में तो बहुत ही ज्यादा दूरी नहीं लग रही, तो ये और ये कोरिलेशन नहीं हो सकता इसमें, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस पीक नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर ये सिस होता, ये हाइड्रोजन यहां होती तो H2 और H3 की भी मिलती गई, याद रखिएगा। चलिए देख रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ये ट्रांस के लिए बताया, अब सिस के लिए देखते हैं, देखिए क्या है, देखिए वही कंपाउंड आ गया, बस मैंने क्या करा, ये पोजीशन चेंज कर दी, तो बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। H2 और H3 के बीच का भी मिलेगा, अभी भी देखिए 1, 2, 3, 4 4 क्रॉस पीक मिलनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, देखिए इनका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो अब क्योंकि ये H1 और H4 नजदीक है, इनके बीच का कोरिलेशन मिलना चाहिए, तो ठीक है ये H1 पकड़ो और इस पीक को देखो तो ये H4 से कोरिलेट कर रहा ऊपर, ये वाला क्रॉस पीक, तो ये कोरिलेशन H1 और H4 का है। अब ऐसे ही ये H1 ने H2 से भी तो करना चाहिए क्योंकि ये जेमिनल है आपस में, ठीक है। तो अब पकड़ते हैं 1 और 2 को, तो ये 1 के लिए पीक है, इसको आगे बढ़ाएं, एक पीक मुझे यहां मिल रही है, ये पीक 1 और 2 को कोरिलेट कर रही है, तो कोरिलेशन 2 और 1 के बीच में डेवलप हो गया, ठीक है। अब 2 और 3 में भी होना चाहिए क्योंकि ये सिस है, काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, तो 2 और 3 को भी हम पकड़ सकते हैं। तो 2 कहाँ है, ये 2 है मान लीजिए, तो 2 को चलाएं, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस पीक ये है, ऊपर चले तो ये 3 से मैच कर रहा, तो 2 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस पीक ये मिल गई, तो 2 और 3 की भी मिल गई। ऐसे ही 3 और 4 की भी मिलनी चाहिए, तो ये वाली 3 की मैंने यहाँ पकड़ ली, फिर इसको ऊपर चले तो ये 4 से मैच कर रही है। तो देखिए कितनी आसानी से आप 2 डायमेंशनल जो स्पेक्ट्रम है इनकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि प्रोटीन फोल्डिंग में पता करने के लिए, प्रोटीन्स के केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे, मान लो कि मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ना, और ये बीच में सब अमीनो एसिड की चेन है, और यहाँ पे ये CH3 है, मान लो दूसरा लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी फोल्डिंग हो जाती है, तो फोल्ड हो जाएगा तो मान लो ये ऐसा कॉइल के फॉर्म में आ गया ना ऐसे, तो एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, इनकी जो क्रॉस पीक है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। यही आइडिया जो है प्रोटीन फोल्डिंग का मिलता है हमें नोजी स्पेक्ट्रम से। लेकिन मैं क्योंकि मैं नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट हूँ, और कंपटीशन में भी अगर कोई पूछा जाएगा, या अभी आप MSc वगैरह में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, प्रोटीन्स के केस में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो नोजी में सिर्फ इतना ही है, काफ़ी आसान है। देखिए तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आप पहली बार यहाँ आए हुए हैं तो टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।
और देखिए जो दूसरा चैनल है देवलोग माई वीलोग, इसको भी प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मैं आपको मिलूंगा किसी और लेक्चर के साथ, इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।